नमस्कार दोस्तों, मेडटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकिब अहमद, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम आपको बताएंगे काइमोरल फोर टेबलेट के बारे में। काइमोरल फोर टेबलेट किन किन बीमारियों में दिया जाता है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सावधानी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कि इन किन कंडीशन में ये काइमोरल फोर टेबलेट नहीं लिया जाता, तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। काइमोरल फोर टेबलेट एक एनाल्जेसिक्स की दवा है, पर इसमें जो सॉल्ट रहता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम है और फार्मास्यूटिकल उसे मैन्युफैक्चर करता है, और ये शेड्यूल एच ड्रग यानी कि ये प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। यानी दोस्तों इसका बेसिक यूज की बात करें तो हम ये टेबलेट खासकर दर्द कम करने के लिए दिया जाता है। अगर बॉडी में सूजन देखने को मिल रही है और इसके कारण बॉडी में पेन हो रही हो तो उस पेन को ठीक करने के लिए ये काइमोरल फोर टेबलेट यूज़ किया जाता है। सर्जरी के बाद बॉडी में जो पेन रहता है दोस्तों, इस पेन को भी ठीक करने के लिए ये टेबलेट यूज़ किया जाता है। किसी तरह की इंजरी के बाद जो पेन रहता है बॉडी में, उस पेन को ठीक करने के लिए भी ये बहुत ही कारगर है। गम्स यानी मसूड़ों में अगर इन्फ्लेमेशन हो गए हो, सूजन आ गए हो, तो उसे ठीक करने के लिए भी ये टेबलेट दिया जाता है। या पाइल्स में जो स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, उसे ठीक करने के लिए भी ये टेबलेट दिया जाता है। एडेमा थ्रोम्बोफ्लोराइटिस का एक कंडीशन है जिसमें नसों में सूजन आ जाता है, उसे ठीक करने के लिए भी ये टेबलेट यूज़ किया जाता है। गले में अगर स्वेलिंग है, दर्द है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये टेबलेट यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसका डोजेस की बात करें तो ये पेशेंट की सीबीआरटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को दिन में एक गोली, किसी को दो गोली दिया जाता है सुबह शाम, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, फिर भी पेट में दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, गैस बन सकता है, ब्लॉडिंग आ सकता है, दस्त हो सकता है, स्किन के ऊपर रैशेस आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। दोस्तों इसका कंट्राइंडिकेशन के बात करें तो अगर आपको ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन की एलर्जी है तो आपको ये मेडिसिन लेना नहीं चाहिए। अगर किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो भी उसे लेना नहीं चाहिए। एंटी डिप्रेशन की गोली ले रहा है, स्लीपिंग पिल ले रहा है, तो उस मेडिकेशन के साथ ये टेबलेट नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये टेबलेट डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। किसी को किडनी की बीमारी है, लीवर की समस्या है, तो भी उसे ये टेबलेट लेना नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान रहे दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन आपको कभी करना नहीं चाहिए, ये डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सुपरविजन में ही आप मेडिसिन यूज़ कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।